हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में देखो पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एम जो हमने पेपर दिया था फिफ्थ ऑफ जान से लेके अभी ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ फेब तक जो सॉरी ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जान तक जो चला था उसका आंसर की आ चुका है ओके okay? आंसर की आ चुका है देखो सब कुछ बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है लास्ट डेट क्या थी एग्जामिनेशन डेट क्या थी तो देखो जो ये तो एम का है एंड ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये जो है एम का है एग्जाम डेट पांच जनवरी से लेके पंद्रह जनवरी एंड पोस्टमैन एंड मेल कार्ड का पंद्रह जनवरी से लेके 29 तक। अब जो है, देखो हो चुका है आपका किस तरह से आपको की जो डेट है, आज से शुरू हो चुकी है चार फेब्रुवरी से और ये सात फेब्रवरी तक चलेगी बारह बजे तक अब बारह अप्रोक्सिमेटली बारह पी तक चलेगी ये ठीक है थीके? तो देखो नेक्स्ट पेज पर पे मैं बताती हूँ कुछ यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर और क्वेश्चन चैलेंज सिस्टम ठीक है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे आप क्लिक करते ही तुरंत कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और डोंट वरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी वहां से आप क्लिक करके फटाफट से अपना आंसर की देख लेना तो आपको क्या क्या चाहिए अपना आंसर की देखने के लिए सबसे पहले तो रोल नंबर जो चाहिए आपके हॉल टिकट पे होगा हॉल टिकट देखो कहाँ पर रखा है आपने रोल नंबर अच्छे से आपको एंटर करना है शिफ्ट कौन सी थी आपकी पहली थी दूसरी थी तीसरी थी कौन सी शिफ्ट थी वो आपको एंटर करना है देन अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ जैसे ही एंटर करते हो सेलेक्ट एग्जाम डेट अब एग्जाम डेट भी एंटर करनी है यहां पे ओके फिर जो यहाँ पर आपको कैप्चा में जो नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है एंटर द टेक्स्ट एज शोन बिलो तो शोन है ना जहां आपको साइड में और फिर सबमिट कर देना है सबमिट करते ही आपको आपकी आंसर की आ जाएगी। तो प्लीज देख लेना कितने आप सिक्योर कर रहे हो। मुझे में करके बताना एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो मैंने बताई है कन्फर्म वही एग्जाम डेट होगी क्योंकि जिस तरह से इनका पेस है जिस तरह से स्पीड से आपकी आंसर की अपलोड कर रहे है और जिस तरह से ये मूव कर रहे हैं देखो हंड्रेड परसेंट आपकी एग्जाम वन फोटी फाइव डेज भी मैं नहीं बोल सकती बहुत कम डेज है आपके पास प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए मैंने एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता रखी है मेंस के लिए और जो बुक बता रखी है प्लीज़ वो खरीद लीजिए उससे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है ओके okay? और जो डिसाइडिंग नेचर क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं तो क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम को कभी भी हल्के में मत लेना ठीक है और प्लीज़ मुझे बताना आपके मार्क्स कितने आप सिक्योर कर पा रहे हो थैंक यू सो मच फॉर वचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शेयर दिस वीडियो लाइक दिस स्टूडेंट प्लीज़ की प्रीवाइजिंग Thank you.